हाय फ्रेंड, तो आप लोग इमला लिखने से पहले इसको स्टॉप कर करके एक दो बार पढ़ लें ताकि इमला लिखने में कोई गलती ना निकले। जल हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में विभिन्न स्थलों पर लोगों द्वारा पानी पिलाने की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था को प्याऊ कहा जाता है। जिसमें आने जाने वाले रास्तों पर कहीं कहीं स्वच्छ पानी को घड़ों या घड़ों में या अन्य बर्तनों में ढककर रखा जाता है। जहाँ कोई भी
प्यासा व्यक्ति आकर पानी अपनी प्यास बुझा सकता है। चर्चा करिए क्या आपके घर या आसपास ऐसी व्यवस्था है क्या? आपने रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, अस्पतालों या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर ऐसी व्यवस्था देखी है यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे और बस स्टेशन पर पीने हेतु नल या पानी की टंकी लगी होती है। ऐसी सुविधा अस्पताल में मरीजों के लिए होती है। पेट्रोल
पंप पर भी पीने हेतु पानी की व्यवस्था रहती है। आपने अपने बड़ों से बातचीत करें, पहले मुसाफिरों आने जाने वाले लोग के लिए पानी की व्यवस्था किस किस तरह से की जाती थी, आजकल यात्रा के दौरान लोग पीने के पानी की व्यवस्था किस प्रकार करते हैं, लिखिए उन क्रियाकलापों की सूची बनाएं जिसमें आप पानी का उपयोग करते हैं, पेड़ पौधों तथा फसलों को भी वृद्धि तथा विकास के लिए
पानी की आवश्यकता पड़ती है पौधों को जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है वे पानी में घुलकर जड़ों द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचते हैं। सिंचाई के स्रोत एवं साधन। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, और जो आपने इमला लिखा है उसको मिलाइए, और जितनी भी गलतियां निकले उनको कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी कितनी गलतियां निकलती हैं।